देश में आज सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते आज देश में सभी प्राइवेट अस्पताल बंद हैं। ये हड़ताल आए दिन डॉक्टर पर हो रहे हमलों के चलते और डॉक्टर को सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं मिलने पर की गई है। वहीं आज इस हड़ताल से मरीजों को परेशानी हुई। मोगा के AIMA हॉल में सभी डॉक्टर ने इकट्ठे हुआ आज अपने अस्पताल बंद रखे। सभी डॉक्टरों में रोष है कि देश में आए दिन डॉक्टर को लोगों के हमलों का शिकार होना पड़ता है। उनका कहना है कि आज तो डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है। वहीं मोगा की महिला डॉक्टर हरप्रीत कौर ने बताया कि सबसे ज़्यादा समस्या महिला डॉक्टर को आती है। ज़रा सी बात पर मरीज़ के परिवार वाले इकट्ठा होकर उनके अस्पताल में आकर तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं मोगा डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान संजीव मित्तल ने कहा कि अस्पताल पर वो खुद इतना खर्च करते हैं लेकिन सरकार की तरफ से उनको कुछ भी सहायता नहीं मिलती है। मोगा से JRTV न्यूज़ के लिए जोगेंद्र सिंह की रिपोर्ट। क्या कहना है, क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी ये देखो कि ना कोई बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति को हमेशा डॉक्टर की आवश्यकता होती है। जब डॉक्टर ही नहीं होगा तो बीमार आदमी क्या करेगा, वो तो मरेगा। तो इसलिए हमें कहना है डॉक्टरों की ज़रूरत है। ये डॉक्टरों आज बंद किया है इन्होंने, तो बंद करने से मेरे को ही नहीं और भी बहुत सारे पेशेंट जो ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है डॉक्टर की, वो आज नहीं मिल रहे डॉक्टर। तो इस वजह से इसका जो जिम्मेवारी है ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, डॉक्टरों की जिम्मेवारी बनती है। इसमें पब्लिक तो परेशान ना हो। अगर मैंने एप्रन नहीं पहना तो भी 5 साल की कैद है, और अगर मैंने लड़का लड़की टेस्ट किया तो भी 5 साल की कैद है। ये कैसा कानून है? ऐसा कानून आज तक इंडिया में किसी ने देखा नहीं और सुना नहीं। नंबर दो पे अगर किसी डॉक्टर पे कोर्ट में केस लॉन्च हो गया, सिर्फ केस लॉन्च होने पे ही उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर दी जाती है, उसके बाद वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता विदाउट एनी कन्विक्शन फ्रॉम द कोर्ट। और सरकार की ये हिदायत है कि अगर वो लोअर कोर्ट में केस जीत जाता है तो ऑटोमेटिकली हायर कोर्ट में उसके अगेंस्ट केस किया जाएगा। यानी कि वो डॉक्टर सारी उम्र, क्योंकि हायर सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते उसकी सारी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी।